राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सरस्वतीं शारदां चाकौमारी ब्रह्मचारिणीं बागेश्वरीं बुद्धिदात्री भारतीं भुवनेश्वरीं जय माँ सरस्वती। जय माता की। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। और आज की वीडियो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे टाइटल देख कर कि बसंत पंचमी के सुंदर पावन पवित्र पर्व के विषय में है। तो पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा भी, क्योंकि ये हम आपको पहले ही बता देते हैं कि पिछले साल जो हमने बसंत पंचमी की पूजा की थी तो किस प्रकार से हम पूजा करते हैं, पूजा करने की विधि क्या है, वो सारा इसमें आपको देखने को भी मिलेगा और हम आपको बताते भी जाएंगे। तो इस प्रकार से आप भी पूजा कर सकते हैं और आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत अधिक लाभप्रद साबित होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियोस का लाभ उठा सकें। शरद ऋतु समाप्त होते ही मन भावन बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी के त्यौहार का आगमन होता है और बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार उमंग और उत्साह से भरपूर होता है। पुराने समय से ही बसंत पंचमी का त्यौहार उल्लास के साथ, खुशियों के साथ, रंगों के साथ मनाया जाता है। आज के समय में भारत के अलग अलग भागों में यह त्यौहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। माघ माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन इस पर्व को मनाते हैं। इस माघ मास में गुप्त नवरात्रि के समय पर जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और उसके जो पंचमी की तिथि होती है उस दिन माता सरस्वती का यह दिन मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती का आगमन हुआ था। माता सरस्वती के जन्मदिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस समय शरद ऋतु समाप्ति की ओर होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इन दोनों ऋतुओं के मिलने से प्रकृति का रूप सौंदर्य खिल उठता है। खेतों में फसलें पकने लगती हैं, चारों तरफ सरसों के फूल खिल जाते हैं। अपनी फसल को देखकर किसान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ हरियाली की चादर फैली दिखाई देती है और उस पर जैसे किसी चित्रकार ने अलग अलग रंगों और आकार से फूलों को सजा दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है। बहुत सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि साल 2024 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और किस प्रकार से मनाई जाएगी, ये भी हम बताएंगे आपको। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा अचूक मानी गई है क्योंकि इनकी कृपा के बिना बुद्धि विद्या का आशीर्वाद नहीं मिलता है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो पढ़ते हुए छात्र हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, देखिए बुद्धि और विद्या तो सभी को चाहिए होती है। इसके बिना तो प्रत्येक मनुष्य पशु समान ही कहा जाता है। छात्रों की कला से जुड़े हुए लोगों के लिए और छात्रों के लिए किसी भी प्रकार का कलाकार हो, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, सभी कलाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी, सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा।
माँ सरस्वती की कृपा से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी के संग बुद्धि और विद्या मिली थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की उपासना का भी विधान है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। इस दिन सरस्वती पूजा करना बहुत अधिक श्रेष्ठकर होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सूर्योदय तिथि होने के कारण 14 फरवरी 2023 दिन बुधवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा का जो मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6 बजे से लेकर आप 12:35 तक मानिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा होती है, हम सारी पूजाओं का मानते हैं कि जो महत्व होता है पूजा का वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है, किंतु माँ सरस्वती कहा जाता है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि माँ सरस्वती जब भोर होती है ना, जब प्रकाश की एक छोटी सी किरण बाहर आने वाली होती है, तो माँ सरस्वती अपने एक हाथ में बीड़ा और एक हाथ में अपनी जो उनकी जो जाप की माला है उसको लिए हुए माता सरस्वती तुरंत प्रकट हो जाती हैं और भोर के साथ ही पूरे संसार में, पूरे जगत में, समस्त विश्व में अपने प्रकाश को फैलाती हैं। अपनी सुंदरता, अपने बीड़ा के तानों से मधुर संगीत, कलकल बहती हुई नदियाँ, पक्षी, पशु, जो भी संगीत हम इस प्रकृति में देखते हैं, जो सुंदरता हम देखते हैं, फूलों का खिलना, पक्षियों का उड़ना, सभी कुछ माता सरस्वती की ही देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी छात्रों को, सभी माताओं को, बहनों को पूजा करनी चाहिए, भाइयों को, पुरुषों को, क्योंकि यह दिन सिर्फ विद्या के लिए ही नहीं होता है, ये आपके घर गृहस्थी के लिए आपके प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर बुधवार का दिन है, पंचमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि है, माता सरस्वती का बसंत पंचमी का ये जो दिन है इसे ऐसे ही ना गंवाइएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पति पत्नी, बच्चे सहित, माता पिता, पूरा परिवार मिलकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना कीजिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से माता को मनाइएगा। इस प्रकार से हमने जाना कि 14 फरवरी 2023 दिन बुधवार को बसंत पंचमी है। जो लोग नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि के, वो तो देखिए पूजा का उनका तो जो दिनचर्या होगी वो तो होगी ही, वो तो करेंगे ही करेंगे, किंतु जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत ही विधि विधान से, बहुत सुंदर तरीके से माता सरस्वती का पूजन अवश्य ही करें। पूजन में फूल रखना बिल्कुल भी ना भूलें, और सरसों के फूल आपको मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। कहा जाता है जो बच्चों की बुद्धि कमज़ोर होती है, जिनको पढ़ाई करने में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, उनके लिए सरसों के फूल का उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। माता सरस्वती को सरसों के फूल आपको अर्पित करने हैं। अगर मंदिर जा सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सरसों के फूल आप अवश्य ही चढ़ाइएगा। और जो बच्चा आपका पढ़ने में कमज़ोर है, याद नहीं रहता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर ये दिन है, आप उनको अवश्य ही पूजन कराइएगा। अब हम आपको बताते हैं आपको पूजा कैसे करनी है। हमने आपको बता दिया, हमने डेट बता दी, आपको शुभ मुहूर्त पूजा का बता दिया, अब हम बताएंगे पूजा की विधि। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमने किस प्रकार से पूजा करी है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते जा रहे हैं। अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण क्या होता है, पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में आप साफ़ सफाई कर लीजिए, और हम तो कहेंगे ना एक दिन पहले से आधे से ज़्यादा इंतज़ाम आप करके रख लीजिए। जैसे कि आपको फल लाने हैं, देखिए फल फूल ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले ही ले आइएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे, तो समय नहीं मिल पाएगा। मैं अपनी तरह ही समझती हूँ, क्योंकि मैं ही सारा सामान लेकर आती हूँ, तो मुझे
ऐसी बहनों के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन जहाँ पुरुष भाई हैं जिनके शहरों में इतनी सुबह सुबह फूल फल सब कुछ मिल जाता है, तो वो सुबह सुबह भी ला सकते हैं जैसी भी आपको सुविधा हो। तो आपको एक दिन पहले से ही अपना कोना तैयार करके रख लीजिए और चौकी पे बिछाने का पीले रंग का वस्त्र, गुलाबी रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं, श्वेत रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं, हल्दी और केसर, चंदन, सिंदूर, रोली और मौली, ये सारी चीज़ें माता के लिए, चुनरी, माता की तस्वीर, या फिर आप कोई मूर्ति ले लीजिए माता सरस्वती की, और कलश अगर आपको स्थापित करना हो तो बहुत सुंदर बात है, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, और माता को आप प्रसाद में बेर अवश्य चढ़ाइएगा, बेर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं माता को, बेर है, केला है, सेब है, इस तरह के फल आप माता को, जो मौसमी फल होते हैं, जो ऋतु फल होते हैं, आप उनको चढ़ा सकते हैं। साथ ही पुष्प, गुलाब के पुष्प, बेला, मोगरा जिसको कहते हैं, गेंदा और सरसों के फूलों का साल में एक बार बहुत अधिक महत्व होता है, जो कि ये बसंत पंचमी का दिन आता है। हम गांव से हमारा रिश्ता है तो हमारे गांव में बहुत अधिक परंपरा थी बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को, भगवान भोलेनाथ को सरसों के फूल चढ़ाने की। तो बहुत ही अच्छा दिन ये होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। इस प्रकार से आप सारा सामान लाकर रख लीजिए, और आपको क्या करना है, ईशान कोण में साफ सफाई करके एक चौकी बिछानी है, गंगा जल अवश्य ही छिड़कना है, और गंगा जल अगर नहीं है तो आपकी मजबूरी है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कपूर जल में मिलाकर, शुद्ध जल में मिलाकर आप उससे सफाई कर लीजिए, और उसके बाद में आप चौकी पर एक सुंदर सा, सिंपल सा पीला, गुलाबी, सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद उस पर अगर श्वेत वस्त्र बिछा रहे हैं ना, तो पूरा श्वेत नहीं होना चाहिए, उसके किनारे पे गोटा वगैरह लगा हो, या फिर नहीं लगा है तो आप उससे हल्दी से, उस कपड़े में हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए, हमने अपनी चौकी पर पुष्पों से पूरी चौकी को भर दिया था, आसन भी दिया जाता है, जब हमने पुष्प सारी चौकी में बिछा लिए तो पुष्पों का ही आसन हो गया। आप चाहें तो पीले चावल रंग कर उनका आसन दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही अक्षत रख कर उसका आसन भी आप दे सकते हैं। कलश स्थापना करनी होती है, सबसे पहले आप तस्वीर रखिए माता की या फिर मूर्ति रखिए, उनको चुनरी उड़ाइए पीले रंग की, या फिर श्वेत रंग के वस्त्र भी माता को समर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर हमने जो लहंगा होता है ना माता रानी का, हमारा श्वेत और लाल रंग का लहंगा है, वो हमने माता को पहनाया हुआ है तस्वीर में, और पीले रंग की चुनरी उड़ाई हुई है। साथ ही हमने कलश स्थापना की है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले कलश में लौंग का जोड़ा और पान का पत्ता, कपूर, गुड़, हमने देखिए चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है, गुड़ और इलायची और इत्र, इत्र तो बहुत ही आवश्यक होता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने जल का जो लोटा है वो तैयार कर लिया। उसमें पान के पत्ते लगाए हैं क्योंकि आम के पत्ते हमें नहीं मिले थे, अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते तो बहुत ही सुंदर बात है। साथ ही आम के पत्तों में बौर लगा हो जिसपे अमियाँ आती हैं, आम आते हैं, यानी कि आम का जो फूल होता है, तो बहुत अच्छी बात है, वो अवश्य ही चढ़ाइएगा। गेहूँ की बाली यदि मिल जाती हैं उनको भी अवश्य ही चढ़ाइएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें भी हमारे जो ये ऋतु के फल होते हैं, मतलब अनाज होता है, नया अनाज, जितनी चीज़ें होती हैं ये हमें पूजा पाठ में अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से आप कलश स्थापना कर लीजिए। तो हमने पान के पत्ते रख लिए, आम के पत्ते की जगह में अशोक के पत्ते भी नहीं मिले, और भगवान प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, उनकी स्थापना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तस्वीर के आगे गणेश जी को रख लीजिए, नहीं है तो आप सुपारी में मौली लपेट कर गणेश जी बना लीजिए और उनकी स्थापना कर लीजिए। इस प्रकार से आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए, कलश पर स्वास्तिक बनाइए, उनका पूजन कीजिए, और जोत तो अवश्य ही जलाना। देखिए, कोई भी पूजा हो बिना दीप प्रज्वलित किए तो पूजा प्रारंभ होती ही नहीं है। अखंड दीप जलाना चाहते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, गाय माता का घी हो तो बहुत ही सुंदर बात है, आप अखंड जोत जला लीजिए, और चाहें तो उसके नीचे आप रंगोली बना सकते हैं। और आज के दिन आप जितनी रंगोली आपका दिल करे, आपका हृदय करे, जितना घर आपका सजाने का अंदर से मन करे, आपके पास समय हो, व्यवस्था हो, आप दिल खोल कर कीजिएगा, बंधन बार लगाइएगा। घर में आम के पत्तों की जब खुशबू आती है ना, तो कहते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं सब भाग जाती हैं और दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती हैं। इस प्रकार से और पूरे घर की अच्छे से झाड़ू पोछा होना चाहिए,
सर्दी भी कम हो जाती है तो काम करने में इतनी परेशानी भी नहीं होती है, और बाकी की जो डस्टिंग वगैरह सफाई होती है वो आप लोग एक दिन पहले दो दिन पहले से कर लीजिएगा। अभी तो समय है बसंत पंचमी होने में, और हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से सारी तैयारी करके फिर माता सरस्वती को जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से भी करा सकते हैं। देखिए, स्नान का भाव कर लीजिए, या तो आप तस्वीर पर छिड़क कर कपड़े से साफ़ कर लीजिए। इस प्रकार से मूर्ति है तो आप प्लेट में रख के उनको स्नान करा सकते हैं। उसके बाद माता को जल समर्पित करना होता है, माता को हल्दी चंदन केसर का तिलक लगाइए, सिंदूर लगाइए, और माता को पुष्प की माला अर्पित कीजिए, नहीं है तो जो पुष्प है वो अर्पित कीजिए। इसके बाद में माता को फलों का भोग लगाइए, बेर अवश्य ही रखिएगा, हम बता चुके हैं। और पीले रंग की मिठाई का बहुत अधिक महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन, पीला और सफ़ेद इन दो रंगों का बहुत अधिक महत्व होता है। हम जब अपने स्कूल जाते थे ना तो हमें बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छा लगता था, वहाँ तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, माता सरस्वती का पूजन होता था, हवन होता था। उसी प्रकार से देखिए, जैसे हमने अपनी माँ से सीखा है ना, वही सब हम करते हैं। तो यहाँ पर दीप आपके जितना भी मन हो उतना प्रज्वलित कर सकते हैं, हमें जैसे अच्छा लगा हमने सजाया, हमने उसके अनुसार दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद हमने हवन भी किया है बच्चों के साथ मिलकर, और हम हमेशा ही करते हैं, 108 मंत्रों का हवन आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए, मैंने कोई भी आपके लिए डेमो की वीडियो नहीं बनाई, ये जो हमने पूजा की थी 2023 की बसंत पंचमी को, वो पूजा हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। इसके बाद माता सरस्वती की आरती कर लेते हैं, और बताइएगा, देखिएगा हमारी माता सरस्वती की पूजा आपको कैसी लग रही है, किस प्रकार से हमने की है। ये हमारी मैया रानी है, तो फलों का भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए, खूब अच्छे से पूजन कीजिए। और हाँ, आप लोग ना पीले रंग के ही वस्त्र पहनिए, मतलब पूरा प्रयत्न कीजिए, पीले रंग के वस्त्र तो होते ही हैं सभी के पास, तो आप पीले रंग के बच्चों को सभी को वस्त्र पहनाइए, भले ही कोई एक कपड़ा ही पीले रंग का हो, अगर नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, जो है वही धारण कीजिए। इसके बाद जो भी आपका कठिन सब्जेक्ट है बच्चों का, मतलब जिस विषय में उनको परेशानी होती है, वो सारी पुस्तकें आपको अपने इस चौकी के पास एक दूसरा पटला रख कर, या फिर चौकी रख कर, या फिर कोई कपड़ा आसन बिछा कर, उस पर अपनी सारी विद्या की जो ये पुस्तकें हैं उनको रख लीजिए। अपनी पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, जो भी रंग है, जो भी चीज़ें हैं आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सारी चीज़ें आपको माता के चरणों में इस प्रकार से समर्पित करना है, और माता से अपनी विद्या के लिए कामना करना है। कोई भी सरल सा मंत्र आप माता की पूजा में जप सकते हैं, अगर आपके पास समय है, सामर्थ्य है, शक्ति है, मन है। देखिए, मन का जो भाव होता है ना, भाव बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप बिना मन के कोई काम कर रहे हैं तो उतना फल नहीं मिलता है ना, तो सच्चे मन से, पूरे मन से कीजिएगा, और माता बहुत अच्छा फल देती हैं, बहुत अच्छा परिणाम देती हैं, माँ बहुत आशीर्वाद देती हैं। माँ तो माँ होती है, माँ के आँचल में तो बच्चे के लिए ममता ही ममता भरी होती है। तो बस यही हमें आपके साथ जानकारी देनी थी, ऐसी ही वीडियो हम फिर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अब हम आपको जल्दी से एक सरल सा मंत्र बता देते हैं माता सरस्वती का, ओम एम सरस्वतय नमः, ओम एम सरस्वतय नमः। आप इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल मंत्र है, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जिस समय आप पूजा करें उस समय लगातार इस मंत्र को बोलते रहिए। और ये भी नहीं होता है तो आप एक काम कीजिएगा, आप जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, इस प्रकार से आप कंटिन्यूसली बोलते रहिएगा। बहुत सुंदर मंत्र है माता रानी का, और बहुत ही सरल मंत्र है। हवन करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो अग्यारी अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि देखिए गुप्त नवरात्रि का समय भी चल रहा है, बहुत ही सुंदर पावन पवित्र माता के दिन चल रहे हैं। मन में तो आता है कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको, इतना मतलब अंदर से भाव भर जाता है ना बसंत पंचमी का, जब हम आँखें बंद करके और मन में बसंत पंचमी का जो शब्द का उच्चारण करके जब हम सोचने बैठते, विचार करने बैठते हैं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर सब कुछ नज़र आता है, सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं। उसी प्रकार से जिन पर माता सरस्वती विराजमान होती हैं और सबको विद्या दे रही होती हैं, तो माता की ऐसी कामना करके सभी को पूजा करनी है। और जितना देखिए हम बता सकते थे, हमने आपको बता दिया, बहुत ही सरल तरीका बताया माता की पूजा का, आप बहुत आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय माता की पूजा कीजिए, पीली मिठाई का भोग लगाना है, पीले चावल का भी लगा सकते हैं, और झगड़ा कलेश उस दिन मत कीजिएगा, किसी भी तरह से कंट्रोल कीजिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा सभी लोग।
और अगर आप कर सकें ना तो बाहर कोई गरीब बच्चे मिले आपको, तो जिन पे पढ़ाई करने का जिनका बहुत मन है पर उनके पास कॉपी नहीं है, किताबें नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है, तो उनकी आप सहायता कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी लाभप्रद हो या फिर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी के साथ आपसे फिर जल्द मिलेंगे। और आपसे एक निवेदन करते हैं कि आपका जो कॉमेंट होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, वो हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा देते हैं। आपके जितने लाइक हमें मिलेंगे, जितने आपके कमेंट अच्छे अच्छे मिलेंगे, उतनी ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो माता सरस्वती की कृपा माँ सभी पर बरसाएं, बड़ों पर, बच्चों पर, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी के ज्ञान के भंडार बने, सभी के दुख दूर हों, ऐसी कामना के साथ यहीं पर एंड करते हैं वीडियो का। जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी के पावन, पवित्र, सुंदर से त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय माता की। राधे राधे।